प्रदेश में विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर से हमीरपुर में ग्रामीणों के बीच मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा गरमाने लगा है। राठ विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतें आज भी ऐसी हैं जहां सड़कों की समस्या दशकों से चली आ रही है। चुनाव के समय राजनीतिक दल जनता से वोट तो ले जाते हैं, लेकिन दोबारा इनकी समस्याएं सुनने कोई गाँव नहीं आता, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। बात हरदुआ गाँव की करें तो यहाँ जालौन डिस्ट्रिक्ट की एक खदान चलाई जा रही है। खदान के कारण गाँव का मुख्य मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इतना ही नहीं, हमीरपुर जिले की सरीला तहसील के गाँव झिटकरी, जमौंडी, बडेरा खालसा और हरदुआ गांव सहित ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जो आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी सड़कों से वंचित हैं। हरदुआ गांव में पड़ोसी जनपद जालौन का एक मोरंग खंड का रास्ता बनाया गया है, जिस कारण गांव से निकलने वाले मोरंग से भरे ट्रकों ने गांव का रास्ता पूरी तरीके से खराब कर दिया है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनाव बहिष्कार का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये हमारा राठ कालपी मार्ग पर झबरा चौराहे से जो झिटकरी के लिए जो सड़क जाती है, अनेकों बार जिलाधिकारी महोदय को तहसील दिवस में, इसके अलावा उनके कार्यालय में जाकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सहित सभी संबंधित अधिकारियों को हम तकरीबन पिछले 6 महीने से प्रार्थना पत्र लगातार दे रहे हैं और उनका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि सर ये जो हमारी सड़कें बिल्कुल भी चलने लायक नहीं हैं। चाहे वो बीमार लोग हों, चाहे पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हों या आम ग्रामीण जन हों, हम लोगों का चलना इस सड़क पर दूभर हो गया है। हमने अनेकों बार प्रार्थना पत्र दिए कि बुंदेलखंड विकास निधि या किसी भी निधि से इसका जो है नवनिर्माण करा दिया जाए, लेकिन हमको हर बार केवल छलावा ही मिलता है। ग्रामीणों में इस बार काफी गुस्सा है, जिस कारण उन्होंने चुनाव बहिष्कार का मन बनाया है। वहीं चुनाव आते ही राजनीतिक दल अब इन सवालों को टाल रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी समस्या रही है बीच में, क्योंकि जिन सड़कों की बात हम कर रहे हैं, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी सड़कें बन करके तैयार हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, चाहे राठ से हमीरपुर हो, राठ से मझगांव हो, राठ से जराखर हो, राठ से चिकासी हो, करीब 967 करोड़ की सड़कें इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में बन करके तैयार हुई हैं। आज़ादी के बाद से कितनी सरकारें आईं और कितनी गईं, लेकिन इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि ग्रामीण वोट के लिए मानते हैं या उनकी नाराजगी चुनाव में देखने को मिलेगी। अस्तित्व न्यूज़ के लिए हमीरपुर से काजल कश्यप की रिपोर्ट।